हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आसान से घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ जो कि आपके बालों के लिए हैं। आपके बालों का झड़ना हो या आपके बालों का हेयर ग्रोथ ना हो या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हों और आपके बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, बिल्कुल भी आपके बाल सिल्की सॉफ्ट नहीं है, तो आप घर बैठे भी आप अपने ये जो तमाम समस्या हैं उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। बस उनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी होगी तो आप बिना सोचे समझे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके पैसे खर्च नहीं होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। हम अक्सर जब हमारे बालों में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो बाल झड़ने की हो, सफ़ेद होने की हो या फिर हेयर ग्रोथ ना होने की हो, तो हम बहुत ज़्यादा आसान सा रास्ता ढूंढते हैं। आसान सा रास्ता ये है कि हम मार्केट जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि वो हमारे बालों को फ़ायदा पहुंचाएगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा। अगर हम मार्केट से कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसमें केमिकल होते ही होते हैं। भले चाहे आपको उसके रिजल्ट अच्छे लगे, जल्दी मिले, लेकिन उसके जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको नज़र आने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। आपको मैं 5 से 6 हेयर मास्क बताऊँगी, साथ ही साथ आपको हेयर ऑयल बताऊँगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं और आपका जो खर्चा है वो भी बेहद ज़्यादा कम रहेगा। तो फिर देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप घर में रखी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, तो एक लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले नंबर पर बात करते हैं प्याज की। फ्रेंड्स, प्याज आपके बालों के लिए बेहद ज़्यादा अच्छा है, बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है बालों के लिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है और आप चाहते हैं कि आपके बालों का झड़ना रुक जाए, और फ्रेंड्स पहले आपको ये जानना होगा कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अगर आप बाहरी तौर पर आप अपने बालों पर पैक लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो हो सकता है कि आप डाइट अच्छी ना लेते हों, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हों या फिर आपके यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, तो कई कारण हो सकते हैं। अगर ये कोई कारण नहीं है, आपका वैसे ही हेयर फॉल हो रहा है, तो आप इस नुस्खे से आसानी से आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। आपको प्याज लेना है और उसको कद्दूकस करना है या फिर आप मिक्सी में भी उसको पीस सकते हैं, और आप कोई कपड़े की मदद से या फिर आप कोई छन्नी ले लीजिए, उसकी मदद से आपको उसका रस निकालना है। आप जब रस निकाल लेंगे तो आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला सकते हैं। अगर आपको ऑयल मिलाने की ज़रूरत नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि ऑयल नहीं लगाना है, तो आप खाली प्याज का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज में सबसे ज़्यादा सल्फर होता है जो आपके बालों में, जब हम प्याज को लगाते हैं तो उससे बहुत हद तक बालों का झड़ना कम हो जाता है और आपकी धीरे धीरे हेयर ग्रोथ भी होने लगती है। तो आपको रुई लेनी है, आप चाहें तो रुई से लगा सकते हैं अपने स्कैल्प में या फिर आप अपनी उंगलियों की मदद से भी लगा सकते हैं। आपको जिससे ज़्यादा आसानी लगे आप उस तरीके से आप अपने स्कैल्प में लगा लीजिए। आप चाहें तो उसको 20 से 25 मिनट अपने सिर में रहने दें या फिर आप पूरी ओवरनाइट भी उसको छोड़ सकते हैं। आप 15 मिनट रखें या ओवरनाइट रखें, उसके बाद आपको शैम्पू करना है। फ्रेंड्स, शैम्पू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके बालों को सूट ना कर रहा हो, तो आप लग रहा है कि आपने नया शैम्पू लिया है और उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको वो चेंज कर देना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शैम्पू कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू ले सकते हैं और आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। आप इस रेमेडी को वीक में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अंडे की। जी हाँ फ्रेंड्स, अंडा भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
जो अंडे जिनके घर अंडा नहीं आता है वो उसकी जगह बनाना ले सकते हैं या फिर फ्लैक्सीड ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो अंडे में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारे बाल हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, तो अगर हम प्रोटीन अपने बालों में लगाते हैं तो उससे हमारे बाल एक तो मजबूत होते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सिल्की रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और हमारे बाल जो है घने भी होते हैं। तो अंडा भी बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए। अगर आप अंडा इस्तेमाल करते हैं तो अंडे से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर आप कम समय में अपने बालों को लंबा बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम एक महीने अगर अंडा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको अपने बालों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो आप एक अंडा ले लीजिए, आप उसको फोड़ लीजिए, कटोरी में निकाल लीजिए, आप एक या दो ले सकते हैं, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले लीजिए। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप एक अंडा ले लीजिए, अगर आपके बाल लंबे हैं, मेरी तरह बाल हैं लंबे आपके, तो आप दो एग भी ले सकते हैं। अगर आप उसमें ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ उसमें ऑलिव ऑयल ही ऐड करें, कोई और तेल उसमें ऐड ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आपको उसकी स्मेल जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप उसमें कुछ बूंदें लेमन की भी ऐड कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है और उसको अपने बालों में अप्लाई कर लेना है आप। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो आपको अपने क्लीन स्कैल्प में अप्लाई करना है। आपके बाल गंदे नहीं होने चाहिए, आपके स्कैल्प में गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके स्कैल्प गंदी होगी तो आप कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो आपके अंदर जड़ों तक जो है वो नहीं जाएगी, तो वो वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके स्कैल्प जो है पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए। तो आप अंडे को फोड़ लीजिए, उसमें ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो ऑयल ऐड कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो फिर उसको छोड़ दीजिए। और आप चाहें तो आप अपने हाथों से लगा सकते हैं या फिर एप्लीकेशन ब्रश आता है तो आप उसकी मदद से भी आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस 20 से 25 मिनट अपने बालों पर रखना है उसको, और उसके बाद जो है माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर देना है। और आप इस पैक को भी वीक में एक या दो बार लगा सकते हैं, इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और ऐप को लगाने से बाल बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट शाइनी मैनेजेबल हो जाते हैं। आप एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एलोवेरा की। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो एलोवेरा लेना है वो आपको प्लांट वाला फ्रेश वाला लेना है, आपको मार्केट वाला यूज़ नहीं करना है। अगर आपके यहाँ प्लांट नहीं है तो आपके पड़ोस में होगा, आप एक लीफ ले लीजिए, आपके बालों के लिए काफ़ी है। आपको जो लीफ लेनी है वो मोटी वाली लेनी है। अगर एलोवेरा के फ़ायदों की बात करी जाए तो शायद वीडियो छोटा पड़ जाए, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ से हो या फिर आपकी स्किन के हो या फिर आपके बालों से जुड़े हो। तो आप एलोवेरा को बालों पे भी लगा सकते हैं, आप उसको खा भी सकते हैं, अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप एक एलोवेरा ले लीजिए और उसका छिलका उतार लीजिए, आपको उसका पल्प लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप पल्प उसको निकाल लीजिए और आप एक बार मिक्सी में घुमा लीजिए, जब वो पतला हो जाए तो बस वो आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। अगर आपको मिक्सी में नहीं घुमाना है तो आप एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, ठीक है, और उसको अपने स्कैल्प में रब कर लीजिए। इस तरीके से आप जो है लीफ को लीजिए और इस तरीके से रब कर लीजिए, आप पूरे स्कैल्प में रब कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके बालों का झड़ना बंद होगा, आपका हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा, साथ ही साथ आपके बाल जो बहुत ज़्यादा बेजान हैं, बिल्कुल भी बालों में चमक नहीं है, तो आपके बालों में चमक आएगी। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो आप इस रेमेडी को भी वीक में एक या दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको डेली भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप जब भी हेयर वॉश करते हैं तब वो आप इसको अप्लाई करते हैं, तो इसके सिर्फ आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है आपके बालों को। हो सकता है कुछ लोगों को सूट नहीं करती हैं कोई चीज़ें, तो वो उन लोगों को पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है सूट नहीं करती है तो हमें नहीं लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो एलोवेरा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस रेमेडी को भी वीक में 2 या 3 बार अप्लाई कर सकती हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं मेथी दाने की। जी हाँ फ्रेंड्स, मेथी दाना भी घर में होता है तो उसका इस्तेमाल भी बालों के लिए कर सकते हैं। मेथी का इस्तेमाल से आपके बाल जो हैं घने होते हैं, साथ ही साथ आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपके बाल भी आना शुरू हो जाते हैं, आपके रीग्रोथ होने लगते हैं। फ्रेंड्स, मेथी दाने में प्रोटीन होता है और ऐसे हार्मोन्स होते हैं उसमें जिससे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बाल घने होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके बालों के लिए। आप कम टाइम में अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है मेथी, आप मेथी दाना ले लीजिए, उसकी तासीर गर्म होती है तो आपको उसको एक रात भिंगो कर रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मेथी दाना ले लीजिए, 1 से 2 चम्मच ले लीजिए और उसमें पानी ऐड कर दीजिए 1 कप, और पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए, उसे भिंगो कर छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट डे आप देखेंगे मेथी दाना जो है वो फूल गया होगा। आप उसका पानी फेंकिए मत, आप उसका पानी एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बालों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप उसको मिक्सी में डालिए, उसमें आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालिए, आप उसको पतला कर लीजिए। जब वो पतला हो जाएगा, आपका हेयर पैक जो है बनकर तैयार हो जाएगा, आप अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए। आपकी स्कैल्प क्लीन होनी चाहिए, आपको गंदे बालों में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप उसको पूरे बालों पर अप्लाई कर लीजिए, स्कैल्प में अप्लाई कर लीजिए। आप 20 से 25 मिनट अपने बालों में रखा रहने दीजिए और उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। आप इस रेमेडी को वीक में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 या 2 महीने तक रेगुलर करते हैं तो आपके बाल जो पतले हैं वो आपको अपने बालों में मोटाई नज़र आने लगेगी, साथ ही साथ आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो आप इसका भी ज़रूर इस्तेमाल करें। पांचवा तरीका है चावल का पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, चावल का जो पानी है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चावल के पानी में अमीनो एसिड होता है जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाए रखता है। बाल हमारे मजबूत होंगे तो फिर टूटेंगे भी नहीं, झड़ेंगे भी नहीं। साथ ही साथ प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों को घना बनाने में, बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। तो चावल का पानी हमें कैसे तैयार करना है, आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं और आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि उसमें जो भी गंदगी लगी हुई है वो साफ़ हो जाए। क्योंकि अगर हम चावल को साफ़ नहीं करेंगे ठीक से तो उसका पानी जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी स्कैल्प को और भी ज़्यादा गंदा कर देगा, वो हमारे बालों को नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए आप चावल को पहले अच्छे से धो लीजिए। अगर आपने 1 कटोरी चावल लिए हैं तो आप उसमें 2 कटोरी जो है पानी ऐड करके रख दीजिए। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर 6 से 7 घंटे के लिए रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा आपको ज़्यादा ठीक लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको चावल थोड़े से मसलने हैं, जब 6 घंटे हो जाएं या फिर 24 घंटे हो जाएं तो आप चावल को मसलिए। आपको वो पानी फेंकना नहीं है, आपको वो किसी बॉटल में जो है ट्रांसफ़र कर लेना है। आपका चावल का पानी हो गया है तैयार। आप अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप उसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, उसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, आप सिर्फ चावल के पानी का इस्तेमाल करिए। और फ्रेंड्स, आपको वो इस्तेमाल कब कब करना है, आप फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको अभी आगे भी बताया कि आपको हमेशा कोई भी रेमेडी यूज़ करनी होती है, कोई भी टोनर लगाना होता है तो आपको क्लीन स्कैल्प में ही अप्लाई करना है। तो आपके बाल बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, आपकी जो स्कैल्प है वो पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए। तो आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिए, आप फिर वो लगा लीजिए। जैसे ही आपने हेयर वॉश किया, जब आपके बाल सूख जाएं तो आप उसको लगा लीजिए। आप उसको ओवरनाइट जो है छोड़ के रख दीजिए। आप इस रेमेडी को वीक में 4 या 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी बार अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें। उसके इस्तेमाल से आप कम समय में अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये भी। तो आप 5 रेमेडी में से जो रेमेडी आपको सबसे ज़्यादा आसान लगती है तो आप वो ज़रूर यूज़ करें। अगर आप कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं तो आप कम से कम 1 महीने यूज़ कीजिए। अगर और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ सूट नहीं करती है तो आप वो बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि हर किसी की स्कैल्प अलग होती है, हर किसी के बाल अलग होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होगी कौन सी चीज़ सूट करती है हमारी स्कैल्प को, कौन सी नहीं करती है, तो आप वही चीज़ लगाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप 5 रेमेडी में से कोई सी भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है,
आप घर बैठे अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने बालों को लंबा घना मजबूत बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में हेयर ऑयल भी बताने वाली थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको जो ऑयल है वो कभी किसी और दिन बताऊंगी, आज नहीं बता रही हूँ। आज मैं आपको सिर्फ 5 ही चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप इन रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे आपको सबसे पहले और आप हमारी वीडियो को देख पाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.